यहाँ से वो ये इंस्टॉल है ना NFS इसमें, हाँ सब कुछ है। हाँ तो ETC एक्सपोर्ट के अंदर जाना, क्या NFS सर्वर तो तुम लोग बना ही लोगे? ये तो क्या, हाँ ये तो सब कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये तो जिस तरह चाहिए उस तरह कर चुके हैं। रहा ऑटो माउंट बताने का, NFS ऑटो माउंट एक रिक्वेस्ट, चलिए अब आइए पहले शादी से होते हैं। NFS क्या तो शादी से आइए सर, शादी सब एक रंगे भी लगा रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ रंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऑफिस ऑफिस से किसके लिए कर रहे हैं लास्ट का और कौन पहुंचाता? अच्छा बिना पूछे तू लेकर आ गया, फोन किया नहीं तो भाई उसको तो छुट्टी देता उसको, छुट्टी कहाँ दी गई है मत करो करो, किसी दिन पता चल गई ना तो लग जाएगी। हाँ तो जिस बंदे का लोग ही नहीं बोला तो था आप स्कूटी चला रहे थे, वहाँ से कितना दूर है अभी जा रहे हैं, 3 से 4 मिनट लगेगा वो पैदल चलने में, एक बंदल आ रहे हैं वो कैब करने के जाते हुए। हाँ सर, हाँ ये एक्सपोर्ट वाला तो दिखा दिया आगे, ठीक है सोमांग हाइफन ई लोकल उस करके देखो सब है ना, हाँ सब कुछ ये सब चेक कर चुके हैं हम लोग। हाँ ठीक है चलो, एक फाइल खोलो VI ATC, अगर थोड़ा सा पाइथन सीखो, पाइथन आप सीख रहे हैं या आप हमें सिखाएंगे? सीख रहे हैं, आप बहुत कुछ सिखाने वाले हैं सर, पाइथन एक लैंग्वेज है तो ये तो हम लोग को भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना नहीं है ये सब चीजें आगे सीखता है आदमी, आगे आपको टीचर बना के नहीं सोचते हैं, तो भाई साहब पाइथन है इसमें सर, नहीं है इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ बता रहे हैं, पाइथन एक डिफरेंट चीज़ है, पाइथन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पाइथन में अपना भी प्रोग्राम बना सकते हो, स्क्रिप्ट बना सकते हो जैसे HTML है, हाँ जैसे HTML है, पाइथन में वेबसाइट भी बनता है, बोलो vim/etc/auto.master बोलो फाइव हो गया, हो गया अनकमेंट करना है क्या कुछ गलत चला रहा है वहाँ पे, देखो ऊपर में ना एक मिस्ड होगा स्लैश मिस्ड मिस्ड केस है ना, उसी के नीचे में यहाँ पे तुम्हें एक वो बनाना है, नाम देना पड़ेगा ऐसा कहाँ रहा था उसके ऊपर तुमने बना रखा है, इंटर करके इंटर कर दो, हाँ मिस के नीचे बना, हाँ बैक से गए फ्रॉड से गए, फ्रॉड प्लस लिखो यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो अमर, हाँ लिख दिया, आगे स्पेस हाँ स्लैश ETC ETC स्पेस नहीं सर टैब दिया है, टैब करो, हाँ कोई बात नहीं /etc/auto.mist नहीं NFS DB कर दो, चाहे NFS BK कर दो, कुछ भी कर दो NFS DB कर दो, नहीं BK कर दो क्या, DB से पता ना चले NFS -hyphen स्पेस के साथ
हाँ दो बार हाइफन है वो यहाँ देखो हाँ टाइम आउट टाइम आउट उसके लिए सही लिखो आउट हाँ इक्वल टू 180 टाइम आउट विदाउट स्पेस ना सर 180 उधर जाते हैं ना कर दिया वो अब इस फाइल को सेव करो NFS सेव कर दिया सर VIM ETC NFS dot AU TO VK करो ना सर जो मैंने उसमें दिया है हाँ वही जो नाम दिया है इंटर कर दो इंटर कर दो आगे कुछ नहीं देना है ना ब्लैंक खुला हाँ ब्लैंक खुला तब बनाओ उसमें भी तो देखो किस पे देखो स्टाइल क्या लिखो बैकअप ये है माउंट पॉइंट हाँ बैकअप कुछ भी यहाँ पर तुम कुछ भी नाम दे सकते हो मतलब कि जो जब ये जो हम माउंट करते हैं ना NFS अच्छा सब डेटा में माउंट करते हैं हाँ हाँ ये माउंट कर यहाँ माउंट कर रहे हैं और जो मेमेंटी देते हैं ना वो मेमेंटी जगह पर ये होगा नाम ही तो दे सकते हैं सब कुछ भी उसके हेडिंग क्या जो आज अच्छा NFS ऑटोनोम यानी जो नाम मैं दूँ उसका फोल्डर बनाना जरूरी होगा यहाँ पे हाँ नहीं अपने आप फोल्डर बना ले भाई अच्छा तो मैं यहाँ बैकअप दे रहा हूँ बैकअप पर रूट पे दूँ या कैसे दूँ इसे रूट पे भी दे सकता हूँ सीधा 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 वैसे ही नॉर्मल मैं जहाँ जा रहा हूँ हाइफन हाइफन एफ एस टाइप इक्वल टू NFS RW स्पेस टैग दे रहा हूँ हाँ ये जो तुम्हारा सर्वर का आईपी है ना ये दे दो या तो लोकल होस्ट दे दो लोकल होस्ट दे दो लोकल होस्ट कॉलन जो तुम शेयर कर रहा है डीबी क्या है सर डीबी बैक कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट कॉमा मतलब फॉरवर्ड स्लैश क्या चीज़ का नाम तुम्हारा शेयर पॉइंट था वहाँ पे अच्छा यानी जैसे MNT था नहीं जो तुम सो डेटा सो अमाउंट नहीं करते हो जो आउटपुट आता है ना शेयर डेटा डेटा रोज फोल्डर का नाम लेकिन यहाँ तुमने कुछ और नाम दे रखा था जी एन कंजा करते हो सर यहाँ पे पहले दे रखा था उन्हें वो हटा रखा था सर सर बीवी ब्रेक मतलब किस चीज़ का है क्या है अरे नाम है ये नाम है मतलब ये जो फोल्डर मिलेगा वो डीवी बैकअप के अंदर मिलेगा डीवी बैकअप अंदर बैकअप मिलेगा सर तो इसमें कौन सा नाम डालूं क्योंकि वो है नहीं गंजा हटा दिया हूँ मैं अभी दिखा तो रहा था कहाँ दिखा रहा था तो सेव कर क्या अपने स्लो माउंट हाइफन नहीं करो ना क्या दिखा रहा है तुम्हारे में अच्छा अच्छा हाँ 180 180 सेकंड में होता है ठीक है इसमें डायरेक्टरी फोल्डर बनते हैं जिसमें इसके नाम से बनते हैं मैं तो लिखता ही हूँ जा
कमांड हाइफन ही करो ना क्या रहा हो गया वहीं है गंदे तो लोकल होस्ट देन उसका आए वहाँ दो दो बस गंजा सेफ कर दो और कहाँ टाइम आउट लिखना था वो ऊपर में लिखना था आटो डॉट मास्टर वाले लिखा अच्छा उसमें तो मैं लिख दिया था ऐसे आप टाइम आउट लिखे थे ना हाँ ठीक है सेफ करो गंजा जी गंजा ठीक है ना भाई तो दिल को मत लिया मैं ऑफिस पर लिखो चला सिस्टम सीटीएल सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट ऑटो एफएस इंटर हो गया अब तुम जाओ सीधे लिखना सी डी सी डी यहाँ पे क्या पा दिए यहाँ पे क्या नाम दिया था मास्टर फाइल का डी के लाइक डी के क्या दिए हो देखो ऑटो मास्टर फाइल में देखो क्या लिखे अमर तो अमर ही है ना सर सब कुछ सही है ना इसमें एनएफएस भी के है यहाँ पे ठीक है इसी नाम से सेम फाइल बनाया हो ठीक है ना हाँ ठीक है जाओ सी डी फॉरवर्ड स्लैश अमर इंटर मारो आगे अमर में एलएस करो अभी यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक दिखा रहा है ना ठीक है ये बताओ कि उस फाइल में क्या डाले हो जो नई फाइल बनाए थे उस पर शुरू में क्या दिए हैं इसमें नहीं इसमें हाँ बैकअप बैक ठीक है जाओ बाहर निकलो और सीधा लिखो सी डी फॉरवर्ड स्लैश अमर फॉरवर्ड स्लैश आईपी है बैकअप देखो अभी एलएस कर रहे थे तो नहीं दिखा रहा था ना अब सीधा इंटर मारो निकालो चार्जर निकालो चार्जर निकालो ऑटो डॉट मास्टर एन एफ एस वी के उस नाम से तू कहाँ बनाना है फाइल तुम वहाँ पे डिफाइन कर रखे हो एन एफ एस वी के यहाँ पे तुमने बना दिया ऑटो डॉट वी के कहाँ पे यहाँ पे आप जो लिखे तो वही डाला था यहाँ एन एफ एस मैंने बोला तुमसे क्या बोला था मैंने बोला था कि जो तुम ये नाम यहाँ पे डिफाइन करोगे अच्छा उसी नाम से फाइल होना चाहिए अच्छा अब इस काम करो जो ये फाइल तुमने बनाया हो ना उसको इस नाम से रीनेम करो एमवी कर दो हाँ हाँ जानता हूँ कहाँ है वो नाम यहाँ पे ये बताओ ये फोल्डर कहाँ दिखा रहा सर ये एन एफ एस वी के बना कहाँ पे है अमर में बना है क्या पता नहीं है कहीं पे उसी नाम से नया फाइल बना रहा फाइल बना रहा सर वी के कौन से
रीनेम करने को बोले हैं ना सर, तो ये कहीं दिखेगा तभी तो रीनेम करूँगा। ये जो फाइल है इससे रीनेम करना है, तो कहीं दिखेगा तब ना करूँगा। ये बना तो हमारे के पास है यार, सर ये रीनेम करूँगा जब ये दिखेगा तभी ना, एमबी कमांड तभी तो चलेगा। हमें इस नाम से एक नया फाइल जनरेट करना है, नया फाइल बनाना है। अच्छा आप बोले थे ना रीनेम कर दो उसे एमबी से, नया फाइल बनाना है। तुमने बनाए हो यहाँ पे एनएफ, तुमने बनाया हो यहाँ पे NFSBK और ये वाला ना AutoBK। हाँ अच्छा कहीं दिखेगा नहीं फिर भी बन गया। रीनेम करना है हमारे पास सोर्स नेम क्या होना चाहिए, डिस्टिनेशन नेम जो है नाम देंगे वो काम से बन जाएगा। और NFS बीके के नाम से बन गया। नहीं ये गलत बनाओ, गलत जिसने गलत बनाया था आया तो था सर बस सिस्टम सिटी रिस्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो अभी करो DF-1H, कुछ नहीं कोई भी माउंटेड नहीं है फोन। ठीक है तुम काम करोगे फिर CD/ तुमने दिया है अमर, ठीक है ना। अभी LS करोगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा CD अमर जो तुमने यहाँ डिफाइन किया बैकअप, अब तुम मारो एंटर। अमर के अंदर फिर अमर क्यों ले रहे हैं, अमर के अंदर अमर क्या ले रहे हैं, ऑलरेडी अमर है ना, हमें अंदर को जाकर देखना नहीं है, सीधा हम देखेंगे अमर बैकअप।
ऑटो डॉट मास्टर में हमर स्लैश /etc/nfs /vk-time out this. माउंटेड दिखाता है ना यार वहाँ पे तो फाइल बना हुआ है सर रजिस्ट्री तो करना चाहिए ना फोल्डर वो हाँ हट गया ये बना हुआ जब होगा ना बताओ जब हम कोई शेयरिंग करेंगे तो फोल्डर होना चाहिए ना शेयरिंग फोल्डर सिस्टम सीटीएल रजिस्टर्ड एनएफएस सर्वर ठीक है जी आप जो आप अमर के अंदर मिलना चाहिए आ गया ना बैकअप अब डी एफ आई को नेच करोगे देखो माउंट पॉइंट भी दिखाएगा तुम्हारे लेकिन देखो यहाँ पर कुछ भी बनाएंगे ना टेस्ट बनाए हमने इसके अंदर ये कहाँ बनेगा जाके उसके अंदर ही बनेगा माउंटिंग दिखा नहीं रहा माउंटिंग होगा कर लोकल होस्ट को वैसे नहीं दिखा रहा हूँ दो सर्वर होता ना तब दिखा देगा हाँ यानी मैं इनका सर्वर मतलब तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एनएफएस सर्वर बन गया समझ गया यहाँ पे जब ऑटो माउंट कर दोगे ना तो वहाँ पे सीधा माउंटिंग फोल्डर दिखाएगा ये माउंटिंग कहाँ पे हुआ है यहाँ पे हुआ तो सर इसको बोलते हैं ऑटो माउंट एनएफएस का है हाँ एनएफएस ऑटो माउंट इसका फ़ायदा ये है ऑटो माउंट का कि जैसे मैं सिस्टम पे भी मैं अब यहाँ पे हूँ यहाँ पे काम कर रहा हूँ ठीक है मेरा ऑटो माउंटिंग सेट है जैसे ही मैं लॉगिन करूँ तो मेरे को ये फोल्डर अपने आप आ जाए अगर मैं चला जाऊँ तो अपने आप ये हट जाए अगर जल्दी तो टाइमिंग दिया जाएगा टाइमिंग दे दो जैसे कुछ काम नहीं करेगा बंदा वो अपने आप को इनएक्टिव हो जाएगा तो 180 क्या दिए हैं सेकंड दिए हैं जैसे इस फोल्डर में तुम नहीं हो उस फोल्डर में तुम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो ऑटो माउंटिंग से वो हट जाएगा जैसे कुछ काम करना चाहोगे CD/ ये दोगे नाम CD /amar/ बैकअप सीधा उस तुम्हारे अपने आप ऑटो माउंट हो जाएगा दो ही फाइल का काम है मेनली NFS सर्वर होना चाहिए मतलब दो मशीन का काम चाहिए एक NFS सर्वर होगा और ये दूसरा एक ऑटो माउंटिंग मशीन होगा इस पे NFS सर्वर बनाना पड़ेगा ना इसे बनाया भी तो नहीं होगा बनाया नहीं ना तो पहले बनाओगे जब होगा तो काम करते हैं ना देखो अच्छा सर्वर वही होता है ना जिसमें हाइफन डेटा करके लिखा जाता है *ro हाइफन सिंक हाँ NFS सर्वर वही होगा कोई जरूरी थोड़ी है डेटा ही होगा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे हाँ पर क्लाइंट कौन सा होता है सर क्लाइंट
क्लाइंट वही जहाँ पे ऑटो माउंट करेंगे हम, जो भी हम यहाँ पे चला रहे थे ऑटो डॉट मास्टर। अच्छा, क्लाइंट पे ही सारा कमांड चलाना पड़ता है। हाँ, और सर्वर पे नहीं? नहीं, सर्वर पे नहीं, उल्टा ही सर्वर पे। सिर्फ ये सर्वर पे काम है, सिर्फ ये काम करना है। सर्वर का सर्वर पे सारी कमांड चला रहे थे। नहीं नहीं, सर्वर सही चला रहे हैं, पर हम लोग नाम उल्टा समझ रहे हैं। सर जो बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं जैसे वी आई करके अंदर जाते हो, उस पर स्लैश डेटा लिखते हो, फिर स्पेस देते हो, स्टार रो आर डब्ल्यू, ये है सर। ये बताओ किसका काम है इसमें? ये सर्वर का, ये सर्वर पे चलेगा। सर्वर क्लियर है, एक क्लाइंट का है, क्लाइंट पे सारा चलेगा, पे सारा माउंट है। हाँ तो वो तो सही है, पर ये सर्वर है। सर्वर पे तुम कुछ लिखो या ना लिखो, ये चलना चाहिए। मैं सही माउंट कर रहा हूँ NFS सर्वर, ठीक है जी। जी NFS ऑटो माउंट एसी को बोलते हैं। ऑटो माउंट तो सर करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेना। एक पे NFS सर्वर बना लेना। हाँ, और बाकी तीन ही कमांड है सिंपल, ऑटो डॉट मास्टर, और जो वहाँ पे नाम डिफाइन करोगे उसी नाम से नया फाइल बनाओगे। फाइनली कंक्लूजन समझ लो, इसको यू माउंट दोबारा सर बना कर दिखा दो, कैसे कैसे कहने में। सर्वर तो पता है ना कैसे बनाएंगे। हाँ, तो एक नया फाइल एक होगा वी आई टी सी ऑटो डॉट मास्टर। नया फाइल नहीं, एग्जिस्टिंग फाइल है ये, ठीक है। ऑटो डॉट मास्टर फाइल में जाओगे, ये तो हटाई कर दी, इसका काम था। यहाँ पे मिस हो गया, मिस के नीचे में तुम अपना एक फोल्डर का नाम डिफाइन कर दोगे, ठीक है। हमर कुछ भी नाम डिफाइन कर दो, ABCD कुछ भी, देन स्पेस। यहाँ पे पाथ डिफाइन करोगे कि हमारा ऑटो माउंटिंग का जो पाथ होगा, पाथ मतलब ऑटो माउंटिंग जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी वो हमारी इस फाइल में होगी, इस पाथ पर होगी, यहाँ पे रखेंगे, इस फाइल में होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ सर, जो ये फाइल है इसको भी एक आगे जाके बनाना होगा ना, सेम फाइल। हाँ, वही करते हैं, इसी का बनाना है ना, एज इट इज। अगर यहाँ पे अमर हो तो फिर अमर का ही बनेगा। हाँ, जो भी बनेगा नाम उसका ऑटो डॉट ही समथिंग होगा। हाँ, बस यही होगा, यही यहाँ से यहाँ तक। हाँ, वी आई करके ए से यहाँ तक देना है, वी आई करके ETC देना। हाँ, यही होना है। सर टाइम चेंज कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर दो, नाम हटा भी दो, ये तो एडिशनल पैरामीटर हो गया। इस नाम से नई फाइल बनाओगे वी आई करके फाइल जब बनाया हमने, इतना नाम इसने बना दिया ना, कन्फ्यूजन हो गया मुझे। ये अगर खुलोगे तो वो स्लैब, ये हो गया माउंट पॉइंट, मतलब कि जैसे हम सिंपल ये माउंट करते थे ना, ये वाला कमांड चलते थे इसमें, जो माउंट करते थे कि लिखते थे माउंट देन सर्वर IP कॉलन, ये देते थे, फिर हम माउंट पॉइंट देते थे ना स्लैश MNT, वो MNT की जगह हो गया बैकअप। फिर ये वही सेम चीज़ दोगे, और वो जो देते ही हो यहाँ NFS सर्वर। हाँ, NFS सर्वर का ही हो गया, और सीधा फिर सिस्टम CTL। यहाँ पे उल्टा हो गया सर, पहले ऐसे आता था NFS सर्वर, इधर आता था, अब इसको उल्टा कर दिया, इधर का इधर, इधर का इधर। ऐसे दिखेगा नहीं, सबसे पहले तुम्हें ऐसे जब सीधा करना पड़ेगा अमर, फिर उसके अंदर जो तुम्हारा नाम डिफाइन की हो बैकअप, तब जाके फोल्डर दिखेगा। नहीं, जब दो सिस्टम से करेंगे तो IP डालेंगे तो हो ही जाएगा, वो तो दिख जाएगा। करते हाँ, वो तो दिखेगा, फिर वो तो यहाँ पर दिखेगा, DFA मैनेज करोगे ना तो आ जाएगा, तो आएगा वो, और माउंट कर देंगे। यू माउंट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही माउंट हो जाएगा। अच्छा, ऑटो FS बोलते हैं ना इसको, ऑटो माउंट, ठीक है। ये तो हो गया सर, अब सांबा सर्वर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर। सांबा
etc क्लाइंट पे ही ये सारा कमांड चलेगा, सर्वर पे सारा कमांड नहीं चलता, सर्वर पे बस यही चलेगा, ये होम जाएंगे ये पूरा नहीं चलता, ये चलेगा बस सर। सर्वर में हमें जरूरत नहीं है इन्हें सारा से चलाने का, केवल इससे भी कर सकते हैं हम, ये सारा चलाना होगा क्या सर्वर में? तुम NFS इंस्टॉल करते ही हो, केवल NFS चलेगा ना, NFS इंस्टॉल करते ही हो, NFS सिक्योर भी इंस्टॉल करते ही हो सर्वर पे, करते ही हो, करते तो हैं ही, ये इंस्टॉलेशन दोनों पे चलेगा ना? ना ना ना, क्लाइंट पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्लाइंट पे कुछ भी नहीं चलाएगा ना ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा RPC बाइंड होना चाहिए इंस्टॉल, केवल RPC बाइंड, हाँ बस लिखवा दिया हूँ, फॉलो करते रहते हैं। अच्छा भैया ये जो इंस्टॉलेशन है सारा सर्वर का है, यानी कि होना चाहिए इंस्टॉल सिस्टम, हाँ ये सर्वर का है, मैं इतना सुना था क्लाइंट में कुछ भी नहीं जरूरत है, इसलिए मैं बोलता था क्लाइंट में कुछ भी जरूरत बहुत पहले तो चलाते सकते हैं, चलाते दोनों पे मैं सही कर दूँगा, क्लाइंट पे नहीं चलेगा, केवल ये चलेगा वो जिन्हें एक यूजर बनाए हैं। संभव बता रहे थे और ट्रैफिक है तो मैं दे चुका, लिख के दिला ये नहीं खुल रहा है ना कह रहे हो तो जी, खुल के नहीं आ रहा सर, यहाँ यूजर नाम डाल देंगे पासवर्ड डाल देंगे, ये ऑफिस में भी नहीं चला, सर उसका कंटेंट गलत तो नहीं गया, ठीक है पासवर्ड डाला था गलत नहीं, ठीक तो क्या तुमने यूजर बनाया था, सिस्टम में यूजर ऐड होना चाहिए किया था, और एस एम ई पास डब्ल्यू डी स्पेस हाइफन उस पासवर्ड सेट किया था उसका, कौन सा यूजर है बताओ, हमने तो कुछ नहीं किया, कुछ किया है अभी? हाँ किया था सर, विवेक एस एम बी पास डब्ल्यू डी हाइफन ए वी टी के बी आई वी टी के 1 2 3 4 5
VIVEK 1 2 3 4 एसोसिएट हो गया इसका। ये गंजा को क्यों अंदर रखा है? बाहर आ जाओ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये है कभी एक बार खुल गया सिस्टम पे सेट ड्राइव ये, तो फिर ये साला खुलेगा नहीं जल्दी जब तक ये सिस्टम को रिस्टार्ट ना करो। यहाँ पे नेट चल रहा है ना? ठीक है जी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोला। क्या उस दिन क्यों नहीं आया बता, जो हम चला रहे थे। तो आप समझ लो ना, दोबारा से खत्म करो, दोबारा हम बनाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखा मैंने कि सब कुछ सही था, ओके था। बस फिर मैंने एक यूजर ऐड किया, ऐसे भी पास कर दिया है। डाल ना विवेक, डाल लो इसमें, डाल लो, डाल लो, डाल लो यार। विवेक 1 2 3 4 5 नीचे। अरे वैसे सब पासवर्ड वो करवा दोगे, हैक करवा दोगे। खुल गया, क्या दिक्कत है? कुछ भी तो नहीं, खुद करना क्या है? तुम कुछ तो मैंने नहीं किया, हो सकता तुम्हारा पोर्टल ना अलाउ हो उस समय जो तुम ट्राई कर रहे हो। कहाँ से सर अलाउ की पता है? WSO सिक्योरिटी ग्रुप में, इसको तो पता ही है। वो तो मुझे पता है, क्यों नहीं चलाते? वो तो अलाउ अभी भी था। मैं बहुत परेशान होता सर, नहीं चलाते। कुछ है ही नहीं उसमें, सांबा में। सांबा में है ही क्या उसमें? तो सर अगर मैं इसमें ना चलाऊँ, मैं अपने सिस्टम ऑफिस में चलाऊँ, ऑफिस में चलेगा तो हम अपना लोकल आईपी से नहीं चला सकते वहाँ का? वहाँ के लोकल आईपी से अपने ऑफिस से डिवाइड देता है। विंडो का इसमें नहीं चलेगा ना? नहीं, क्या करो लोकल इसमें दोबारा। जैसे हम जिस आईपी पे लॉगिन होते हैं, जैसे 10.20.0.39, हाँ उसको चाहूँ इसके आईपी से खोलने का, नहीं खुलेगा ना, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए नेटवर्क का, वहीं कोई भी चीज़ खुल जाएगा। नहीं तो मेरा भी विंडो ही रहेगा, इसका भी विंडो, तो क्या क्या जरूरत है संभव का ना? तब की जरूरत नहीं है ना। तो अगर हम वहाँ पे AWS खोल रहे हैं और उस पर डालेंगे तो तभी तो विंडो ही लेगा। विंडो लेगा क्योंकि AWS हम जब भी ओपन कर रहे हैं सर, विंडो पे कर रहे हैं, कंट्रोल आर करके जाएंगे तो वहाँ का लोकल ही विंडो आर खोलेगा ना, AWS का थोड़ी खोलेगा। यहाँ पे यही कर रहे हैं, यहाँ भी यही कर रहे हैं। यहाँ के भाई, यहाँ तो विंडो को जाकर खोल लिया है, तो वहाँ का आईपी डालते हैं वो कट से खोल देता है बिना पासवर्ड डाले। वो सेट है ना पहले से ही अपने AWS ऑफिस का आईपी? यार किसका पासवर्ड खुल जाता अपने आप? किसका? आप रिमोट लेंगे किसका? अपने ऑफिस का सर, ऑफिस का लेके देखेंगे। MSTC आएगा? नहीं है मेरे पास। अरे यहां पे तुम्हारे में क्या आता है? MSTC लाग है? हां लग रहा है। और बंद हो गया। अरे जो काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वही काम तुम भी करोगे, हमारा भी चलेगा। खोल दिया सर, लाल तो है नहीं। फर्स्ट प्रोसेस आईडी लिखा हमने, ब्रैकेट में लिख दो PID 1, इसका PID 1 होता है। टू रन ऑन लिनक्स 7 सिस्टम, टू रन PID कितना है बनाया?
ये वो थे सर, इसमें हाइफन है या डॉट है? पी एस हाइफन पी एस स्पेस हाइफन ये, ठीक है लिखो तुम लोग लिखो। ये जो को लगाया ग्रेप के पहले पाइप ही तो होता है, पाइप है देखो क्या लिखो बताओ। पी एस हाइफन ई एफ ग्रेप पाइप ग्रेप सिस्टम डी नॉट फाउंड, इंस्टॉल करना पड़ेगा हमेशा ना, तब उल्टे कमेंट चला तो लिखा मेरे सामने तब भी तो अभी तो नहीं चलेगा। पी एस स्पेस हाइफन ई एफ कितने बार बोल रहा हूँ मैं चिल्ला चिल्ला के, हाइप जो उसका पी आई डी होता है ना उसका अपने सबसे नंबर एक होता है। अच्छा उसका पी आई डी वन है, एक कर्नल का है क्या? वहाँ पे स्विच नहीं था ना इसलिए नहीं। चलो जी लिखो आगे लिखो, वहाँ तक लिखे एक है लिखा ग्राफिकल। हाँ ग्राफिकल सर गेट के बीच में स्पेस नहीं रहेगा ना हाइपर पे, फिर बोलेंगे गलत चला रहा है। एस वाई एस टी ई एम सी टी एल स्पेस क्या डी ई एफ ए यू एल टी ग्राफिकल टेस्ट दिखा रहा था तो तुमने इसमें तैयार हटा दिया मतलब क्या नहीं हुआ ग्राफिकल टेस्ट ग्राफिकल टेस्ट नहीं है सर वहाँ पर तो अगर तुम चाह रहे हो ठीक है ना जैसे ये आ गया उसको तो हमें उसको ग्राफिकल सेट करना होगा तो क्या लिखेंगे सिस्टम सीरियल सेट हाइफन डिफॉल्ट स्पेस ग्राफिकल डॉट तो सिस्टम जब भी बूट होगा तो ग्राफिक्स बूट करेगा। अब ऐसे भी चला के देखो क्या सेट चल गया सेट हाइफन डिफॉल्ट सर सेट हाइफन डिफॉल्ट तो चल गया आगे वही जो नाम दे दोगे ना उसी से बूट करेगा सेट किससे बूट कराऊं तुम चेंज मत करना जैसे कि ये दो दो ऑप्शन होता है मल्टी का टारगेट ग्राफिकल और टारगेट मैंने कर दिया क्या ग्राफिकल टारगेट ठीक है तुम्हारा ऑलरेडी था ही ना तुम तो कर दो कर दिया हूँ ठीक है तुम इससे कर दो वो चल वही चल जाए ठीक है। कौन सा चलेगा ये ग्राफिक्स बोर्ड करेगा। अच्छा किस पे माने सिंटोस जो भी सिस्टम तुम्हारा बूट होगा हाँ ग्राफिक्स खुलेगा ब्लैक विंडो ना खुल करके जी वाई खुलेगा तो अभी ब्लैक हट जाएगा मेरा ना ये तुम पुट्टी खोले पुट्टी में तो ब्लैक ही आएगा ना हमेशा। अच्छा कौन सा खुलेगा मतलब सिस्टम के सामने हो गए हंसा क्यों रीजन बता दो तो मैं मानू हंसे क्यों सिंटोस पे थोड़ा चलाया हूँ मैं सिंटोस पे खुलेगा हंसने से पहले तो भाई पुटी का भी ग्राफिकल तो क्यों हुई भाई साहब मैं चलाया तो फिर चलाएगा क्यों नहीं है कुछ बैक साइड बैक की यार सर वो अजब बात निकलता ही नहीं है
सिंटोस में चले चलाएंगे कमान भाई साहब ए डब्ल्यू एस में सर ये बताओ ना क्या ये जो मैं ग्राफिकल टारगेट दिया ये तो ये है ना अपना ए डब्ल्यू एस है ये तो मतलब, नहीं यूज होगा इसका मतलब अगर ये सिंटोस में चला देता तो हाँ, वो काम करेगा गलत क्यों लिखूंगा सर आप बोलो तो सिस्टम सिटी है सिस्टम चलता है टैब चलता ही नहीं हाँ स्पेस यूनिट यू एन आई टी एस आगे हाइफन हाइफन टाइप टारगेट जीरो लोडेड यूनिट लिस्टेड क्या है और कौन सा स्पेस यूनिट तो है तो हाइफन फाइल्स बोल रहे हैं सर स्पेस विदाउट स्पेस हाइफन है ना सर स्पेस है कहीं सर हाइफन के आगे फाइल्स के जैसे लिस्ट यूनिट्स हाइफन के है अरे यार तुम्हारे में कमांड था ही तो तुम कमांड क्यों लिख रहे थे ये कमांड लिख लिया ना तुमने लिख लिया अननोन ऑपरेटर दे रहा है फाइल होगा यूनिट है यूनिट्स नहीं है यूनिट है यूनिट है इसमें ये दिखाता है कौन कौन सा सर्विस तुम्हारा इनेबल है नहीं डिसेबल है ठीक है तो सर ये जो हमने फर्स्ट बार फर्स्ट कमांड चलाया था हाँ तुम्हारा नहीं दिखाया ना हाँ जबकि मेरे इसको सेंटोस टर्मिनल दिखाया था एडब्ल्यूएस में दिखाता हूँ तो इसको इनेबल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या क्योंकि यहाँ पे इनएक्टिव यूनिट्स दिखा रहा है सर अरे वही है जो सिस्टम सीटीएल सर्विस स्टार्ट करते हैं ना जी स्टार्ट करते हैं कोई सर्विस हाँ तो आप देख सकते हैं कौन कौन सर्विस हमारे सिस्टम में चल रहा है कौन कौन सा बंद है जो इनेबल है वो सर्विस चल रहा है ये जो कमांड चला जो स्टैटिक जो शो कर रहा है ना नीचे आउटपुट
देखो ये नीचे जो आउटपुट शो कर रहा है ना ये तुम लोग जी नीचे जो आउटपुट शो कर रहा है इनेबल का मतलब कि सिस्टम तुम्हारा इनेबल में है मतलब सिस्टम जब भी बूट करेगा ये सर्विस यहाँ चल जाएगा जो भी कमांड चलवाते हैं हम लोग सिस्टम सीटीएल इनेबल देन सर्विस का नाम शादी है क्या सर?